नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, इस पे एक क्वेश्चन आया है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है। उस पे क्वेश्चन इस तरह से है कि क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क, जब म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं तो सीक्वेंस ऑफ रिस्क क्या होता है, जबकि ये पता है कि म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी रिटर्न नहीं देता है, तो सीक्वेंस ऑफ रिस्क जो है बड़ा रोल अदा करता है म्यूचुअल फंड में। इसको एक्सप्लेन करना है कि सीक्वेंस ऑफ रिस्क क्या है और साथ साथ में रिटर्न क्या है। यहाँ देखते हैं, जब मेरे से ये क्वेश्चन बहुत पहले भी पूछा गया, रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है, रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है, तो बचपन में गेम खेलते थे ना, तो दो वर्ड जरूर आता था कि झंडू क्या है, झंडू बाम क्या है। मतलब मुझे मन में यही हमेशा यही होता था, मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन करें, रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है। तो आज इस वीडियो का दौर आ गया है कि इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले देखते हैं लिक्विड, तीन कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, लिक्विड फंड, डेट फंड, इक्विटी फंड। कम रिस्क, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क और सबसे ज़्यादा रिस्क की फंड। लिक्विड फंड का बात करते हैं, यहाँ पे आपको रिटर्न मिलता है लगभग 3 से 4%। साल भर का ड्यूरेशन है और पैसा पार्क करके रखना है, तो लिक्विड फंड सेफ है। सेविंग अकाउंट जैसा पैसा आएगा तो आपको यहाँ पे पार्क करके रख दिया। अब यहाँ देखेंगे अगर कि ये लिक्विड फंड, हमसे पैसा लिया फंड मैनेजर ने, वो कहाँ लगाया, तो देखते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बॉन्ड फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेजरी बिल हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है, लेकिन जिसका ड्यूरेशन 3 महीना 6 महीना से कम होगा उसी में लगाएंगे। कॉर्पोरेट पेपर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका ड्यूरेशन कम होगा, 2 महीना 3 महीना 6 महीना के अंदर होगा, तो वो लिक्विड फंड के कैटेगरी में जाएगा। पर यहाँ पे रिटर्न का बात तो यही हुआ 3 से 4, पर रिस्क क्या है, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है तो शॉर्ट ड्यूरेशन के फंड में थोड़ा बहुत हलचल देखने के लिए मिलता है। जब भी इंटरेस्ट रेट आरबीआई ऊपर नीचे करते हैं तो यहाँ पे आपको हलचल देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया रिस्क, शॉर्ट ड्यूरेशन में इंटरेस्ट रेट का रिस्क यहाँ पे है। अब दूसरे कैटेगरी का फंड है डेट फंड। यहाँ पे देखते हैं, अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो 3% से लेके मिनिमम 7 से 8% तक रिटर्न 1 साल 2 साल 3 साल में देखा गया है। तो ये तो रिटर्न का बात हो गया, आप लगभग 8% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर रिस्क का बात देखते हैं तो ये क्या करते हैं, बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन का बॉन्ड भी हो सकता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का भी बॉन्ड हो सकता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन का अंतर क्या है, 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल। शॉर्ट ड्यूरेशन का है तो 1 से 3 साल के बीच पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो डेट फंड भी देखेंगे, दो कैटेगरी का है, शॉर्ट टर्म डेट फंड, लॉन्ग टर्म डेट फंड। तो शॉर्ट टर्म में 1 साल 3 साल, लॉन्ग टर्म में आपको 5 साल 10 साल 15 साल भी हो सकता है। तो इस तरह से ड्यूरेशन हो गया। अब यहाँ पे रिस्क का कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यदि यहाँ भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन का है उसमें तो कम हलचल देखने मिलेगा, -5% 6% का भी गिरावट देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो लॉन्ग ड्यूरेशन का है उसमें ज़्यादा भी गिरावट देखने के लिए मिलता है, -10% तक रिटर्न देखा गया है। डेट फंड में ज़्यादा हलचल होता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है। मार्केट में तो इक्विटी में तो हलचल रोज देख ही रहे हैं, पर इंटरेस्ट रेट का ऊपर नीचे होता है तो बॉन्ड फंड पे बहुत ज़्यादा असर देखने के लिए मिलता है। तो यही रिस्क हो गया कि आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न तो फिक्स टाइप है, बैंक के एफडी जैसा है, पर रिस्क क्या है कि जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हलचल आपको देखने के लिए मिलेगा। शॉर्ट टर्म है तो कम हलचल होगा, लॉन्ग टर्म का बॉन्ड है और इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हुआ तो यहाँ पे आपको ज़्यादा हलचल रिटर्न के रूप में मिलेगा। तो ये तो रिस्क का हो गया और रिटर्न तो इसमें फिक्स है। अब तीसरा कैटेगरी है इक्विटी, जहाँ पे ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप लंबे समय का ड्यूरेशन देखते हैं कि इसका रिटर्न क्या है, तो 12 से लेकर 18% तक रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, लार्ज कैप का सेंसेक्स का बात करते हैं, 100 से शुरू हुआ था 79 में, 43 साल के बाद आज लगभग 59,000 पे है अगर, तो 16% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। ये तो लार्ज कैप का बात हुआ, लेकिन आप मिड कैप स्मॉल कैप में देखेंगे तो 2% एक्स्ट्रा आपको मिलता है, या फिर डिविडेंड भी जो मिलता है यहाँ पे काउंट नहीं है उसको जोड़ेंगे तो लगभग 17-18% तक रिटर्न चला जाता है। तो जहाँ तक रिटर्न का बात है, 12 से 18% आप इक्विटी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मिला है। अब रिस्क का ब्याज क्या है, यहाँ पे अगर रिस्क कैलकुलेट करते हैं तो 1 साल में अगर आप देखेंगे पीछे इतिहास में, -10% -15% का भी रिटर्न मिला है। तो ये तो रिस्क हो गया कि आज पैसा डाले, 1 साल के बाद 90,000 85,000 देखने को मिला, ये रिस्क हो गया। लेकिन इक्विटी में आना तभी है जब आपके पास 10 साल 15 साल 20 साल का टाइम है,
तो रिस्क देखेंगे इतने समय में रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और उस मिनिमाइज रिस्क के बाद आपको रिटर्न 12-15%, 16% तक मिल जाता है। तो ये रिटर्न का बात हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक लाइव उदाहरण देता हूँ कि HDFC फ्लेक्सी कैप में मैंने इन्वेस्ट किया था 2013-14 में। यहाँ पे लाइव देखते हैं, 2013-14 में कुछ पैसा मैंने HDFC फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया। तो यहाँ देखते हैं 2013 में 28 फरवरी 2013 में 25,000 किया, फिर मई में देखते हैं 25,000 लगभग किया, 24,900, फिर एक साल के बाद मई 2014 में 50,000 किया, और फिर देखते हैं जनवरी 2018 में 3,000 का छोटा सा टॉपअप किया। तो यहाँ टोटल मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है 1,03,000, जिसका आज अगर वैल्यू देखते हैं तो पैसा है 3,56,000। परसेंटेज रिटर्न अगर देखेंगे यहाँ पे तो कितना बता रहे हैं, 15, 14, 11, और एवरेज रिटर्न यहाँ पे देखते हैं तो एवरेज एनुअल रिटर्न हमको मिलता है यहाँ पे 14.99, लगभग 15% का। हमने 1,03,000 जमा किया और वैल्यू कितना हो गया है, 3,56,000। तो अब मुझे, मैं ये पूछता हूँ कि इस पैसे को, 3,56,000 को मैं आज निकालता हूँ, रिडीम करता हूँ, तो क्या रिस्क है, मुझे कोई बता सकते हैं? सोचिए, बताइए रिस्क क्या है कि 1,03,000 जमा किया, 3,56,000 निकाल लिया, क्या रिस्क है? तो इसका आंसर है यहाँ पे कि घंटा रिस्क है। कोई रिस्क नहीं बाबूजी, आंखों के सामने दिख रहा है, मिल जाएगा। आज ही पैसा निकालने के लिए गए, हाइड्रोजन बम फोड़ दे किम जोंग, तो 50% मार्केट गिर जाएगा, तो 50% कम मिलेगा, पर नहीं गिरा है ना हाइड्रोजन बम, अभी तो नहीं गिरा है। आज रिडीम करने गए 3 बजे से पहले, तो पैसा अकाउंट में आ जाएगा। आज जो मार्केट ऊपर नीचे है, जो भी है, 1% ऊपर है तो ऊपर वाला पैसा मिल जाएगा, मतलब इसमें बढ़ के मिल जाएगा। आज मार्केट घट गया और 3 बजे के पहले बेच रहे हैं तो इस पे 1% कम हो जाएगा, कम होगा तो कम मिलेगा 1%, 3,00,000 का 1% 3,000, बढ़ गया तो 1% 3,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कोई एग्जिट लोड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, एक साल के ऊपर एग्जिट लोड नहीं होता है। कोई टैक्स टूक्स लगेगा अगर, तो इनकम, आपका इनकम 1,00,000 से ऊपर है, जो कि यहाँ पे 2,00,000 लगभग 2,50,000 का इनकम है, तो 2,50,000 में 1,00,000 माइनस कर दीजिए, बोलता है छूट है, बचा 1,50,000, 1,50,000 का 10% 15,000 टैक्स देना पड़ेगा, अपने आप नहीं कटता है ऑटोमेटिक, जब आप रिटर्न भरेंगे तब देना है। तो यही रिस्क है और यही रिटर्न है, रिटर्न तो मिल गया हमको 14-15% का। अब जहाँ तक रिस्क का बात है, कुछ रिस्क नहीं है, मैंने पहले बोला था टाइम दे दे देंगे तो रिस्क खत्म हो जाता है, हमने टाइम दे दिया 2013-14 से लेकर 22 तक, कितना हो गया, 8 साल हो गया ना, 8 साल में मुझे 14-15% का रिटर्न मिल रहा है, कोई रिस्क नहीं है। कोई बोलेंगे अरे 8 साल में इतना ही कमाया, कुछ नहीं कमाया, भाई नहीं कमाया, इतना ही कमाया। और जो ज़्यादा लालच में पड़ते हैं ना, तो 5-10 लाख रुपया बाबूजी का, दादाजी का कुछ पैसा संपत्ति रखा था, वो भी बुड़ा दिया स्टॉक में, बिटकॉइन खरीद लिया, जो जो भी कर लिया, आप देख लीजिए समाज में कैसे लोग दिवालिया करते हैं। कोई बैठा है भाई मोगेम्बो ऊपर आपसे पैसा लेने के लिए, लालच दे गया, लॉटरी, लॉटरी खेल के 10 रुपये का लॉटरी लिया, 1 करोड़ मिल जाएगा, कितने लोगों को 1 करोड़ मिल गया, वो लॉटरी वाला माला माल है, वो हर जगह गैम्बलिंग सब जगह है भाई। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा नहीं बनने वाला है। तो मैं आपको लाइव उदाहरण देके समझा चुका हूँ। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, ऑनलाइन SIP रजिस्टर करना है, तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड का एडवाइज़र बनना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, आप ट्रेनिंग, एजुकेशन सब कुछ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो WhatsApp यूनिवर्सिटी में इसे जरूर शेयर करें, YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।